राजा सोच गिलन कि जिंदगी में हम कोनो ऐसन गलती कोनो ऐसन पाप नहीं खी कैले कि आज हम कोढ़ी हो गई नी। धीरे धीरे बात पूरे रियासत में पता चल गिल कि जो राजा इतना दान इतना पुण्य करता था आज वो हमारा राजा कोढ़ी बन चुका है। हजारों लोग जुटल हुवन यह कहत हुन कि अरे राजा तोहरे प्रति अपन गर्दन कटावे के हो तो अपन गर्दन कटा देती जा। गौर करेंगे बाबूजी जिंदगी में हम कोनो ऐसन पाप नहीं खी कैले। हजारों के भीड़ जुटल है सब यह कहत बा कि अरे राजा ई तोहर दासा देख के मन यह करत बा कि हम अपन गर्दन कटा दी। उतने देरी में हुआ क्या एक जोगी शरीर पर गेरुआ वस्त्र हाथ में सरंगी सितार ले ले हुन और राजा के दरबार के सामने आसन लगा के बैठ गईलन। सरंगी टेर टेर के यह गावत हुआ कि बनला के सभा बिगड़ले के कोई ना। एक नौजवान जाके जोगी के कालर पकड़ लिया। अरे जोगी तेरा दिमाग ठीक है कि तू पागल बन चुका है? राजा के बिगड़ गई है, राजा हमारा कोढ़ी बन चुका है, लेकिन राजा के प्रति हम हजारों गरीब अपना गर्दन कटा देंगे। जोगी बोला कि नहीं बाबू, ईश्वरनाबा जवन हम कहत बानी तवन सत्य बा। पुरनिया बाबा गैलन कलन कि बाबा कैसे कहत है बाबा कि हम जवन कहत ही तवन सत्य है, ई जवन कहत होन तवन गलत है। जोगी बोला कि साबित करके हम बता देंगे। कलन कि जब आप इतना जानकार हुआ इतना ज्ञानी हुआ तो एक बार हमारे राजा के देख के बता दा कि हमारे राजावा कवन करम कमाई के चुप कैलस की कोढ़ी बन गई। जब ये बात के जोगी बाबा सुन ले होन तो कैलन का ब्राह्म एक लाइन गीत बा सकूंगा तुमसे दूर में। राजा कटई कहनी है कठिन राजा, बोले यदि इसी का निदान करेंगे, बोले यदि इसी का निदान करेंगे, राजा तुझे खुश का सम्मान करेंगे। आया है जोगी फूल बरसाया है जोगी सरगम बजाया ये सितार में। राजा साहब पैरवा पकड़ के रोवे लगलन कलन की बाबा जिंदगी में हम कोनो ऐसन पाप ना कहनी हो बाबा, कोनो ऐसन गलती ना कहनी, कवन कर्म कमाई के चूक हो गिल हो बाबा कि हम कोढ़ी हो गई नी। जोगी बोला कि आए राजन दुख सुख इंसान के जिंदगी में लगल हो ऐसे ना घबराए के चाही। कलन की बाबा अगर मामूली दुख हो तो सीने से लगा के हम जी सकत रही, जेकर जिंदगी बर्बाद हो गई कैसे हम जी अब हो बाबा। जोगी बोला कि ठीक है राजन हम तीन बात बताई और हमारे तीन बात में कोनो एक बात अपना लेबा तोरे शरीर के कोर सही हो जी, लेकिन तीन बात हम तो बताई कि जब तू हमें 3 लाख रुपया देब तब 3 लाख रुपया ले जाके जोगी बाबा के चरण में राजा साहब डाल दिए। पहला बात जोगी बाबा बतौलन राजा 100 दिनक बेसिया के घर में जाके वो बेसिया के सेवा करे के हुई।
अगर ये काम ना करबा तो दूसरा बात सुनला, तोरे रियासत में ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र चार बड़ा में से कोई एक बड़न के लोग अपन गर्दन कटवा दी ओकरे खून से तू नहावल जीबा तोरे शरीर के कोर सही हो जी। अगर ये काम ना करबा तो तीसरा बात सुनला, जाके बनारस काशी के धरती पर राजा हरिचंद्र घाट पर 100 दिन मुर्दा जलावे के होई तभी तोहरे शरीर के कोर सही होई। जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके चल देलन। एहर राजा सोचत होन कि वो हो एक गरीबन के खातिर हम अपन खून पसीना एक कैले बानी, तनी आज हमारा पर दुख पड़ल बा, लोगन के परीक्षा लेके देखी कि जो आखिर हमारे परीक्षा में के पास होत बा। ए भैया जोगी बाबा के बात सुन के राजा ऐलान करवा देलन, राजा के दरबार खाली हो गिल, जे जहे बात तहे भागे लगल कि अरे राजा रानी मोह गिरा के बैठल हुन। एक गरीब परिवार से 12 साल के लड़का यहाँ का ऐलान कर दिया, बोला कि आए राजा इन बिरादरी जकर नमक खैलस ओकर सैरियत मल्लस, आखिर उलैगवा कैलस का फिर हम एक लंगीत मास्टर कहले भैया हेलो भैया तू कैला गवनवा तो हर बाबू कर यहाँ कह चल आओ घरे दुआरे छुट्टी उट्टी लेके अबे न कर तब बोलेगी या कहलस का कहलस हे बाबा जहानी अब जियानी ए राजा जी स्वामी देरी कोने बात के है, उठाओ तलवार एकर गर्दन काटा। लड़का हाथ जोड़ के कहलस की साहब अरे हम 1000 प्रजा में से मर्जी तरिया से चल जी, हमारे बिटिया बहन का कन्या दान हुई गरीबन के रोटी मिली, अगर आपके कुछ होगी तो हम गरीबवन के का हुई। राजा वो लड़का के बात सुन के राजा के आंख में आंसू आ गया, राजा रोने लगे लेकिन भैल का टेरी के अंदर भाव मास्टर अरे गुलशन में कब तरुणाई गा गई ना, अरे गुलशन में अरे गुलशन में कब तरुणाई गा गई ना, तुम्हें मिलिंद मंजू कब ले ही लड़ाई रे लड़ाई रे। राजा सोच गिलन कि ना हम वेश्या के घर में जाई ना केहू गरीब के गर्दन काटब, और राज के ताज उतार के ले जाके राज सिंहासन पर रख दिए, जोगी वस्त्र पहन के और राज महल छोड़ के रियासत त्याग के जब चलल हुन तो रानी दौड़ के जाके पैर पकड़ ले ली, स्वामी रियासत से नाता तोड़ दे दौलत से नाता तोड़ दे लेकिन हम कैसे जियब एक तो बतैले जा।
कलन के रे रानी, अगर हमारे शरीर के कोर सही हुई तो आके तोरे संगे जिंदगी के शुरुआत करब, अगर ना सही भइल तो हमार आशा छोड़ दिया, कहीं मर जाब, लेकिन दोबारा ए रियासत में अपन मुंह दिखावे बदे हम ना आई। चल देलन राजमहल छोड़ के, जोने राजा के जिंदगी में मखमली सेज काट कुश पर चलत हुन, 56 प्रकार के व्यंजन खाए बदे भोग गया गना, बर्दाश्त होके घास पात नोच के खा, घूमते घूमते बनारस काशी के धरती पर गईलन, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके राजा हरिचंद्र घाट पर जाके मुर्दा जलावे लगलन। मुर्दा जलावे जलावे जब 100 दिन के दिन पूरा भइल हो, भुला गईलन राजा कि ये धरती पर हमें 100 दिन बितावे के है। 100 दिन के दिन जब ही पूरा भइल हो, गंगा में गोता मार के जब किनार पर भइलन, जोगी बाबा के कहले अनुसार जब राजा के शरीर के कोर सही सुंदर सुबरन भइल तो राजा एक बात कह गिलन, का मूरत राम नारायणपुर के धरती से 500 रुपया पुरस्कार देनी, चरणों में नमन सभिया लोगों के प्रणाम बा। सही हो गिल तो रानी से हम वादा कहले रही, चल के बचन के पूरा कर दी ही। जे वही राजा साहब राज महल की ओर गइलन, एक ही पैर उठा के जे वही महल के अंदर डाले कहलन, रानी आवाज देती है, कहती है, खबरदार राजा ओए रुक जाइए, हमरे ना जाने में कौन ऐसा पाप कर भइला हो कि तोहे कोढ़ी की जिंदगी जिए के मिलल। कलम की ये रानी काय के बतिया के रोज रोज ताना मारे लू, जिंदगी हो सके कोनो जन्म के चूक रहल, यही से हमें प्राचित भोगे के पड़ल। तो राजा साहब अपने रानी से समझावो थोन, कहा थोन बिरह के निचोड़ में लिखे के पड़ल, कांड में राजा के
दान कैले रहल ओ बिरादरी के नाम से सात को गांव खुशी में दान कर देलन। ए हर जवन जोगी बाबा तीन बात बता के 3 लाख रुपया लेके गई रलन। घूमत फिरत राजा के दरबार में इलन कलन की राजा तोरे शरीर के कोड सही हो गिल। कलन हाँ बाबा सही हो गिल। कलन के कुछ तुहारा मानत हमरे लगे पड़ल हा। तोरे शरीर के कोड सही हो गिल तहई अपना मानत ला। 3 लाख रुपया निकाल के जब वापस करे लगलन तर राजा रानी रोवे लगलन कि बाबा फिर से हमन के दुखवा वापस करे थुआ का। कलन की ना राजा एक जोगी की जिंदगी का है। जहे सांस तहे बिहान रमता जोगी बहता पानी। बिहले जहां थुआ तहे महल से एक रोटी एक फटही लुगरी देदा हमरे जिंदगी में दौलत से बढ़ के हो जी। राजा रानी दे के गोड़ पर गिरलन जोगी बाबा चल दिए। राजा रानी के खाली पलक झप्पल उतने में जोगी बाबा अंतर ध्यान हो गए। आए ग्रह सुनने वाले बाबू किस रूप में भगवान मिल जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। तो आखिरी बन में लिखे गए पड़ल कैसे पत्ती छह बरतू पुंज से निकली बिमल है जोगी।